ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਠਾਣਿਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਔਰ ਅਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜਗਰ ਅਜਗਰ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਸਬੂਤੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਠਾਣਿਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਤੀਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਦੋ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈ जब तक इनको हम ख़त्म नहीं करवा लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारी बहनें हमारे जो परिवार हैं सारे हमारे बुजुर्ग 90-90 साल के बुजुर्ग वहां बैठे हुए हैं धरने पर और हम लोग सब लोग वहीं पहुंचेंगे और सरकार को पता चल जाएगा ये क्या हथकंडे अपना रही है और हम इसके लिए इतनी लड़ाई लड़ेंगे कि सरकार के दांत खट्टे कर देंगे अगर ये कानून लागू हो गए तो हम दाने दाने के लिए मुताज हो जाएंगे हमारे बच्चे बिल्कुल रुड़ जाएंगे हमारा कुछ नहीं रहेगा सरकार ने मानना पड़ेगा और किसान शांतिपूर्ण धरने दे देगा चाहे मैंने दो महीने लागो छः लागो बनाएंगे एक महीना बीत चुका है बिनना चाहे तो आगे 10 महीने और बीत दिया जो किसान नहीं आएगा वापस ये सरकार है जो ये पाड़ना चाहती है जिम्मेदारों को भी आपस में फूट करा के मोदी जी ने उस गुजरात में तो 4 जिम्मेदार तो मिलना पड़ गया बीजेपी के वर्करों का और दिल्ली में लाखों आदमी बैठे हुए किसान नहीं दिखे उसने हर का जी अगर हम 3 दिन का टोल टैक्स है ये फ्री करेंगे और दिन रात का पहरा देंगे यहाँ कर दिया ये तो कर दिया बिल्कुल इसको हम मनवाएंगे जो हमारा शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है बस वही हमारा हथियार है जब तक वो चाहे 6 महीने लगो 7 लगो जब तक वो अपने कोटे नहीं रगड़ दिए क्योंकि केंद्र सरकार ही बिल्कुल किसानों के बीच में फंसकी है इनको अपने कानून जो से लागू कर देने उनकी लेने मुश्किल हो रहे हैं और जो किसान है वो इनको वापस करवा के जब ही वापसी दिल्ली से वापसी आएगा जेजेपी की तो सपाया जमीन खट्टर का इसका सपाया दोएगा अगर आप किसानों के साथ वो मिल आता है तो किसान समर्थन करे भाई तो उसकी तसल्ली भी नहीं करते हम तो जे आना था पहले तो ना आना था पिपली लाठीचार्ज हो नहीं उदो कहता भाई जिम्मेदार अगर लाऊ इसका के बेरा 90 की 90 हरियाणा सीट दे देता बिल्कुल, बिल्कुल मौका हो था इसका आ तो आए जाओ आज कुछ नहीं है ये हम मनाएंगे 3 महीने 3 लाख भी न लग जियो हम ऐसे मनाएंगे दो जिस टाइम ऐसे बैठे नहीं इस टाइम पे 3 लाख भी न लग जियो साथी मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो आज किसान की हालत कितनी बुरी है जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भर के सोता है आज वो 30 दिनों से सड़कों पर भूखा मर रहा है 30 दिनों से उसके ऊपर लाठियाँ बरस रही है अब ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है ये जन आंदोलन बन चुका है ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है पाप और पुण्य की है सच और झूठ की है देखिए ये मोदी साहब जो तानाशाही रवैया अपना रहे किसान इससे पीछे हटने वाला नहीं है किसान से कितने दिन भी लग जाए जो काले कानून बिना वैसे ही तोहफे है जब हम किसी चीज़ की मांग नहीं कर रहे तो वैसे दे रहे